हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और आज हम अपनी हिंदी वर्कबुक में वर्क करेंगे, ठीक है? तो देखिए हमें क्या करना है, चलिए इंडेक्स में देखते हैं। आज हमें पेज नंबर 10 और 11 इसमें वर्क करना है। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली नोट डाउन द डेट ऑन द पेज नंबर 10 एंड 11 एंड इंडेक्स ऑल्सो फॉर 10 पेज नंबर 10 क्लास वर्क एंड फॉर 11 homework. So let's move on the page number 10. Here we have page number 10. और page number 10 पर हमें यहाँ पे date mention करनी है, take on the classwork, और on the page number 11 date and take on the homework. Okay? तो देख रहे हैं children, आज हमें इमली इमली हमारा तीसरा स्वर है, हमें आज इसकी रचना सीखनी है ना? तो चलिए पहले हम इसको बोर्ड पर सीखते हैं, ओके? तो देखिए चिल्ड्रन, आप हमें इमली की रचना सीखनी है। तो जब हम बोलते हैं तो देखिए हमने इसे जल्दी से बोला ना, इ, और ये हमारा हल्का सा मुंह खुलता है ना, इ, और इससे क्या होता है इमली, ये छोटा स्वर है इसलिए इसको जल्दी से बोलते हैं ना। इससे क्या होता है इ इमली, इ इमरती, और इ इंजन, इ इमली, इ इमरती, इ इंजन। ओके, तो चलिए अब हम इसकी इसको कैसे लिखते हैं ये सीखना है हमें, है ना? तो देखिए हमारे पास ये फाइव लाइन कॉन्सेप्ट है ना, तो फर्स्ट लाइन से लिखना नहीं शुरू करते हैं ना हिंदी में, आपको बताया था ना मैंने। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमें रेड लाइन से लिखना शुरू नहीं करना है, हमें ब्लू लाइन से लिखना शुरू करना है। तो देखिए यहाँ पर डॉट है, हम ब्लू लाइन से कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे और एक बहुत छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, देखिए हमने, है ना, बहुत छोटी सी बनानी है क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम स्पेस होता है ना फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड लाइन के बीच में। तो मैं बहुत छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई और उसके बाद हमने एक राइट ओपन कर्व बनाया सेकंड ब्लू लाइन तक, बनाया सेकंड ब्लू लाइन तक हमने राइट ओपन कर्व बनाया। अब हमें इसको फिर दोबारा ट्विस्ट करके हमें इसको लेफ्ट ओपन कर्व, लेफ्ट ओपन कर्व तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना, बनाया और फिर जब हम उसको ब्लू लाइन से टच करेंगे यहीं पर हम अपवर्ड्स ऐसे लेके जाएंगे और इसको जब हम इसको यहाँ पे लाके लूप बना देंगे और एक स्लैंट बना देंगे छोटा सा, है ना, और ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, इमली। ये थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हम अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, है ना? तो फिर शुरू करते हैं, देखिए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर्व ब्लू लाइन तक, सेकेंड ब्लू लाइन तक, सेकेंड ब्लू लाइन पे आके हमें ट्विस्ट करके टर्न करना है और थर्ड ब्लू लाइन तक हमें क्या बनाना है, लेफ्ट ओपन कर्व, और जब हम थर्ड ब्लू लाइन पे आएंगे इसको अपवर्ड्स लेके जाएंगे और इसको जो हमने ये जो लेफ्ट ओपन कर्व बनाया था इसको क्रॉस करते हुए एक छोटी सी स्लैंट डाल देना है इसके ऊपर, है ना, ये लूप बन गया हमारा और ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, इमरती। फिर देखते हैं, ठीक है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, राइट ओपन कर्व, टर्न एंड लेफ्ट ओपन कर्व, टच टू द ब्लू लाइन और लूप बनाते हुए लिटिल स्लैंट बना देंगे, ठीक है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, इंजन, है ना? आपको बहुत अच्छे से बनाना है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट ओपन, राइट ओपन कर्व और उसके बाद हम लेफ्ट ओपन कर्व बनेंगे, ब्लू लाइन से टच करते हुए हमें एक लूप बनाना है स्लैंट करते हुए, है ना, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, इमली, है ना? तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना? तो चलिए अब हमें ये वाला वर्क हमारी वर्कबुक में करना है, तो चलिए अब हम ये वर्कबुक में देखते हैं इसको। देखिए अब हमें करना है
ई इमली। तो पहले हमें ट्रेस करना है, ट्रेस करने के लिए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है ना, फिर राइट ओपन कर ब्लू लाइन पे आके लेफ्ट, और इसको अपवर्ड लेके जाएंगे और ब्लू बना के स्लैंड कर दिया और स्लीपिंग लाइन। देखिए फिर देखते हैं, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट में टर्न कर देंगे, अपवर्ड्स लेके जाएंगे लूप बनाते हुए स्लैंड कर देंगे और स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व लूप स्लैंड और स्लीपिंग लाइन, है ना। जब आप इसको ऐसे बोलते हुए बनाएंगे तो आप बहुत ईजीली इसको बनाना सीख जाएंगे, है ना। ई इमली, ई इमरती, ई इंजन। और इसकी कौन सी कविता है, इसे इमली कितनी खट्टी खाकर इसको बजती सीटी। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व लूप एंड स्लैंट और ऊपर स्लीपिंग लाइन एक इमरती। अब देखिए हमें वन सिंगल डॉट पे करना है, तो देखिए बहुत अच्छे से, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व और अपवर्ड्स लूप बनाते हुए स्लैंट कर देंगे, स्लीपिंग लाइन एक इमरती, एक इंजन। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व लूप बनाते हुए स्लैंट। और आपको ये बहुत अच्छे से करना है। अगर आप इसको ना ऐसे बिल्कुल बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन बना दी तो आपका यहीं से रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे ये रॉन्ग है ना, हमें ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देंगे और हमें इसको बहुत अच्छे से बनाना है। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व लूप बनाते हुए स्लैंट एक इमरती। और आपको ये वाला पेज बहुत अच्छे से करना है, ओके चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, पेज नंबर 11 पे हमें कैसे करना है। तो देखिए हमें करना है, फिर यहाँ पे हम ट्रेस करेंगे, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व लूप और स्लैंट लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, आपको स्टैंडिंग लाइन बहुत ही छोटी सी बनानी है, ठीक है। फिर राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व अपवर्ड्स करते हुए हम लूप बनाएंगे और स्लैंट कर देंगे, स्लीपिंग लाइन ए इमरती, इसे इमली कितनी खट्टी खाकर इसको बजती सीटी, इसे इमली कितनी खट्टी खाकर इसको बजती सीटी, एक इमरती, एक इमली, एक इंजन। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे सिंगल डॉट्स पे, ब्लू लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व ब्लू लाइन तक, फिर टर्न करेंगे लेफ्ट ओपन कर्व अपवर्ड्स लूप एंड स्लैंट, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व अपवर्ड्स लूप स्लैंट, ए इमरती और ए इंजन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन राइट ओपन कर्व लेफ्ट ओपन कर्व अपवर्ड्स लूप और स्लैंट, ए इंजन, है ना। चलो आपको ये वाला वर्क बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ओके, बाय बाय।